दोपहर के बज रहे हैं, 1:15 बजने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर नीचे में पूरा झाड़ू पोछा और नीचे का रास्ता पूरा कंप्लीट सफाई कर चुकी हूँ, क्योंकि आज है जुमेरात और कल है जुमा, तो जुमा का काम हमारा आसान हो जाए इसलिए मैं जुमेरात को ही सारा काम कर ले रही हूँ। ऊपर में भी झाड़ू पोछा कर चुकी हूँ, रात में ही पोछा लगाई थी फिर भी, लेकिन झाड़ू मैं लगा ली ऊपर में। अब यहाँ पास मैं ये देख सकते हैं, ये सब हाथ से धोने के लिए कपड़ा, ये सब नया नया कपड़ा है तो ये सब हाथ से धोने के लिए, और यहाँ पास धोऊंगी मैं क्योंकि यहाँ पास का रास्ता मेरे को धोना है, धोना है तो पानी पानी तो लगेगा ही, तो जो कपड़ा धोऊंगी उसका पानी यहाँ पर फेंकाएगा तो फूल जाएगा तो पूरा अच्छे से साफ क्लीन हो जाएगा। तो यहीं पास मैं कपड़ा धोऊंगी, ये बाल्टी में और वो बाल्टी में, ये बाल्टी में कपड़ा नहीं डुबाएँ क्योंकि ये नहाने का बस पानी रखे हैं लेने के लिए कि कम पड़ेगा तो उसमें हम ले सके पानी और आसान हो। और मशीन में भी कपड़ा डाल चुकी हूँ, मशीन में भी कपड़ा धुल रहा है, कुछ जो मशीन में धुलना चाहिए वो धुल रहा है। और ये सब का है क्या कि कॉटन है और नया है तो तुरंत बेकार से कुर्ता उड़ता है, तो ये सब नया, ये सब हल्का पहनने का मेरे का रात में, तो ये सब हाथ से धो के ही डाल देंगे, मशीन में नहीं डालेंगे। ये सब हमारा नाइट सूट है रात में पहनने का, तो ये सब उतना गंदा होता नहीं तो फटाफट हाथ से ही धो के पसार देंगे। बस मैं अपना काम कर लेती हूँ तब तक से, फिर दोपहर का अजान हो जाए, 1 तो बज ही जाएगा, फिर फटाफट धोकर आधे घंटे में नहा लेंगे तो 2 बजे तक मैं नमाज पढ़ लूँगी। गाइस तो अभी नहा कर मैं आ चुकी हूँ, टाइम हो रहा है अभी 2 से थोड़ा बहुत ऊपर हो रहा है, 2:15 हो रहा है, तो मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं, सर को बस कॉम करूँगी, झाड़ लूँगी, उसके बाद फिर मैं वज़ू बनाऊँगी, फिर नहा वज़ू बना के नमाज पढ़ूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं कपड़ा वपड़ा मैं पूरा धो ली हूँ, दे नहीं समझिएगा मैं, ये देख सकते हैं ये सब हाथ से धोई हूँ कपड़ा पूरा का पूरा, ये सिर्फ पैंट सब मशीन से धुलाई, ये पैंट ये सब पैंट और ये स्कूल का शर्ट ये सब मशीन में धुला, बाकी सब ये सब हाथ से धोई क्योंकि मशीन में धोएंगे तो ये सब ख़राब हो जाएगा। नेट वेट का मेरी बेटी का है कपड़ा, इसके अंदर अंदर भी ये सब हाथ से धोई हूँ। हाँ ये शर्ट इसको मैं पसारना भूल गई, इसको सूखने के लिए रखी थी, डाल दूँगी तो सूख जाएगी। दो दिन से हमारे घर में पानी का प्रॉब्लम चल रहा था, पानी आ रहा था लेकिन गंदा जैसा आ रहा था, बदबू आ रहा था, इसलिए पानी गंदा सा आ रहा था हमारे यहाँ दो दिन से, तो थोड़ा दिक्कत चला, आज काम हो रहा था लेकिन नहाने धोने कपड़ा का थोड़ा दिक्कत हो, तो बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया था और हाथ से भी धोना था कपड़ा कई दिनों से, तो हाथ से मैं कपड़ा धो ली, मशीन से भी धुल गया है, पूरा काम हो गया। कल जुमा है तो जुमा में मेरा थोड़ा आराम हो जाएगा, सिर्फ पोछा ओछा लगा, झाड़ू पोछा करना और नहा लेना। गाइस चलते हैं नमाज पढ़ लेते हैं, सर को झाड़ूंगी और झाड़ झूड़ के, हे गाइस बंद, उसको पढ़ने के लिए बोल दो लेकिन पढ़ाई नहीं होगा, बस फट से 2 मिनट पर पढ़ाई हुआ पैक हो गया बैग, है ना, बस खेलना है। क्या पढ़ा 2 मिनट में, क्या पढ़ा, 2 घंटा तो लेके बैठा लेकिन 2 हाय गाइस, जहाँ कैमरा चालू करेंगे हाय गाइस करने से अपना हरकत नहीं बताएंगे, हाय गाइस कर रहे हैं बड़ा। टीवी देखने नहीं, मैं नमाज पढ़ूंगी, वो बेबी अकेले टीवी देख रही है नीचे में, बेघर मतलब का लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, नहीं अभी नहीं जाना, मैं जाऊंगी तब। अब बास्केट उस्केट यहाँ क्या रख दिया रे, हाँ फुटबॉल खेलने का जगह है ना ये, कि एकदम सब सामान को तहस नहस करके इधर रख दो, रखो जगह पे सब उठा करके, सामान को सरियाना नहीं है लेकिन उछराने का पूरा एकदम वो रहता है, जगह पे सबको सरियाओ, जो उलझा रहता है इधर उधर तो उसको सरियाना चाहिए तुमको, ना कि ये करना चाहिए। वहां 2 ठो रखा हुआ ना बेडशीट, उसको तह लगाओ, सरियाओ सब टेबल बास्केट सबको जगह में रखो, उसको सरिया लिया बुक को, और अरबी को जैसे थैला में था थैला में रखना है ना, नहीं बेद भी होता है, बेद भी नहीं होना चाहिए, बदतमीजी जिस तरीके से होता है वैसे बेद भी होता है। वहाँ पास पूरा बेड के पास गए, पूरा गंदा हो रहा था, सफाई करके पूरा सरियाया बुक को, बुक पूरा फैला के रखा था,
जिस तरह अभी सरिया है ना बुक लोग को, वैसे ही सरियाना चाहिए पूरा बुक लोग को अच्छे से। और जूता पॉलिश करने का कोई वहां पास रखता है? नीचे में रखता है, इधर इधर साइड में। बेबी कप को रखा हुआ है, बेबी रखी है। तो उसको तुमको अकल होना चाहिए ना कि वो सब शूज वूज ये सब का काम जो रहता है वो सब इधर उधर नहीं रख, बेड के पास सरियाने नहीं रखते हैं, अलग जगह में रखना चाहिए जहाँ पे शूज रहता है। वही थैला में रखो अरबी को, दो अरबी सब है, उसको धो देंगे गंदा हो रहा है तो दूसरा थैला ला जाएगा। उसको कहीं अलग जगह में रखो अच्छे से। गाइस इधर दोपहर का मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि बच्चे लोग सुबह में रात का बचा हुआ था पुलाव और चिकन, इसमें चिकन है, पुलाव और चिकन था तो उसको बच्चों खिला दी थी, तो सुबह में खाई थी 11 बजे, तो अभी तो भूख ही लग गई होगी, 2-3 बज रहा है। तो यहाँ मैं आटा सान के रख चुकी थी, 15 मिनट हो चुका है आटा सान के रखे हुए, तो रोटी बना दे रही हूँ। यहाँ देखिए आधा बेल चुके हैं, यहाँ ये पॉट में रखेंगे रोटी, यहाँ अभी इसमें दूध खौलाए हैं, दूध को खौला दी, नहीं तो फट जाएगा, नहीं खौलाऊँगी तो। अभी बना रही हूँ मैं रोटी, देख सकते हैं गाइस, यहाँ मैं बनाऊँगी पास्ता। तो यहाँ पास्ता मैं चढ़ा चुकी हूँ, पानी खौल गया तो मैं चढ़ा दी हूँ, और थोड़ा सा ऑयल डाली है, ऑयल से चिपकेगा नहीं, तो अभी तुरंत डाली, इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में। यहाँ निकाल चुकी हूँ मैं पोहा, पोहा बनाऊँगी। ये पोहा के लिए मैं आलू और प्याज कट करी हूँ मिक्स, साथ में इसको फ्राई करेंगे, पहले फली को फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद मीठा नीम पत्ती डालकर, उसके बाद ये डालकर, हल्दी डालकर, सब पूरा तुरंत बारीक बारीक काटे तुरंत पक जाएगा, प्याज भी फ्राई हो जाएगा, आलू भी गल जाएगा। और ये पास्ता के लिए कट करी, इसमें भी मिर्च, हरी मिर्च डालना है, इसमें भी हरी मिर्च डालना है, और इसमें मैगी, पास्ता में मैगी मसाला डालेंगे। तो मैगी मसाला भी आया नहीं, मैं बोल दी मैगी मसाला मीठा नीम पत्ती लाने, तो मैगी मसाला मीठा नीम पत्ती लाएंगे ये। गाइस यहाँ छान रही हूँ भजिया, कल का आधा बच गया था, आधा से क्या थोड़ा सा ही बचा था, एक बार का और बचा है, तो छान के आज ख़त्म कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ पोहा रखा हुआ, पोहा बना देंगे, एक बार का और छान के निकाल लेते हैं। गैस यहाँ पोहा के लिए प्याज आलू मिर्च डाल चुके हैं, पहले मैं ये देखिए सरसों, ब्लैक वाला सरसों डाली थी, वो थोड़ा चटचटा गया, तो फिर मैं ये डाली प्याज और आलू और मिर्च, और यहाँ भजिया बनाकर निकाल चुकी हूँ, और ये पोहा को धो लेती हूँ, धो के रखूँगी, और ये प्याज काटी हूँ, आप तो जानते ही हैं इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए क्या बोलते हैं इसको याद नहीं आ रहा है मेरे को, पास्ता, पास्ता के लिए ये इसको बना के निकालूँगी, फिर मैं पास्ता बनाऊँगी। गाइस अभी रात की बज रही 11, तो मैं ऐशा का नमाज वमाज पढ़ के अभी बैठी हूँ, काम वाम करके अपना जो भी था, कपड़ा वपड़ा सरियाना और याना बच्चों का जो भी काम था अपना करके बैठी हूँ। तो देख सकती इधर सूट कटिंग करने बैठी हूँ मैं, थोड़ा सा अनमैचिंग मेरे को लग रहा है, चल जाएगा कि क्या है, ये कैमरे में सेम दिख रहा है, ये दुपट्टा और ये साटन फैब्रिक है तो थोड़ा सा शाइनी दिख रहा है, और ये तो अलग सिल्क टाइप का फैब्रिक का ब्रास हो क्या बोल सकते हैं पता नहीं, सिल्क टाइप का है, तो ये है दुपट्टा, और ये मैं अलग से ली हूँ, इसमें का सलवार का ऐसा दिया है, क्योंकि रेडीमेड है तो रेडीमेड में अक्सर सलवार का जो देता है एकदम अच्छा नहीं देता है, तो ऐसा दिया तो इस पर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, मैं अलग से ये साटन लेकर आई और कुछ दूसरा कलर था नहीं, तो उस टाइम मैं जल्दी जल्दी में ले ली कि ये मैच कर रहा है, पर अभी बनाने मेरे को अजीब लग रहा है कि मैं इसका बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो मैं सोच रही हूँ इसका गरारा बनाने के लिए मैं ली थी 3 मीटर, और ये जो है मल्टी कलर में ये कुर्ती का है, ये तो है सूट फैब्रिक, तो मैं सोच रही हूँ इसको बना लूँगी तो रमज़ान में जुमा उमा पहनने में काम आएगा, ये जो है कुर्ती का है, और ये जो दुपट्टा है सी ग्रीन या पिकॉक ग्रीन क्या बोलते हैं इसको, पिकॉक ग्रीन भी बोलते हैं और सी ग्रीन भी बोलते हैं, और ये है अलग से ली हूँ, तो बना लेंगे तो अलग तो नहीं दिखा, थोड़ा डॉट में मैं रह रही, अगर और कोई रहता तो मैं उससे पूछती मैच कर रहा कि नहीं कर रहा है, तो देखते हैं कटिंग करके कर ही लेते हैं, जिस पर मैच करेगा, प्लेन में अगर आ रहा रहेगा तो किसी पर मैच करेगा तो मैं पहन सकती हूँ, देखूँगी बाद में, नहीं तो फिर अगर कुछ अलग फैब्रिक मिला तो इस कलर का मतलब वो पैंट कट में भी बना सकते हैं, प्लाजो व्लाजो या पैंट कट में करा रहा है इसका बना लेते हैं,
अभी पहन लेंगे एक बार, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर मैच अजीब लगेगा तो नहीं पहनेंगे और क्या। तो मैं सोच रही हूँ इसका बना कलर का जो गोल्डन कलर का है, ये जो गोल्डन है ऐसा मेरे पास वो है लेस, क्या बोलते हैं उसको, बोलने टाइम याद नहीं आता है, धनुक धनुक और किरिंग नहीं होता ऐसा वाला, ये देख सकते हैं ऐसा, ये वाला मैं बॉर्डर में ऐसी लगा दी। ये भी हमारा करारा है टू लेयर का ब्लैक कलर, देख सकते हैं ये भी मैं खुद से ही बनाई हूँ। यहाँ ज्वाइंट के पास एक कट है, ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये मैं दिल्ली अपने मायके गई थी ना तब ली थी मैं, ये यहाँ पे से है और फिर यहाँ से फ्लेयर है, ये डबल फ्लेयर का है गरारा, ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक का, 4 मीटर में पूरा मैं बराबर हो गया था गरारा। इसी में का एक येल्लो है सेम फैब्रिक, ये ब्लैक और एक येल्लो, तो ये फैब्रिक ना बहुत अच्छा होता, बहुत कम मिलता है ये वाला, क्वालिटी जल्दी मिलता नहीं, तो मेरे को दिल्ली में मिला था तो मैं 2 ले ली थी, एक येल्लो एक ब्लैक, तो ब्लैक तो बहुत अच्छा, ये हमारा फेवरेट गरारा है, बहुत अच्छा लगता है पहनने मेरे को, एकदम सिला भी बहुत अच्छा है। कभी कोई कोई फैब्रिक ऐसा हो कि मतलब अब अचानक से मतलब अच्छा बन जाता है, अच्छा सिलाई हो जाता है, ऐसे मेरे को सिलाई आता ही अच्छा ही सिलती हूँ मैं, पूरा स्टिचिंग का नॉलेज है मुझे, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि बिगड़ जाता है, पसंद नहीं आता कि थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, या बाद में दिमाग आता है इसको ऐसे नहीं ऐसे कटिंग करना चाहिए था, जिस तरह अभी मेरे को इसमें डॉट है गरारा में, अब इसको स्टिच कर लूँगी तो बाद में मेरा दिमाग में आएगा कि अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना था, तो कुछ नहीं ऐसे ही सोचते रह जाएंगे तो मेरा पड़ा ही रह जाएगा, मेरा 2-2, 3-3 साल ऐसे ही सोच सोच में कपड़ा पड़ा रह जाता है, क्योंकि 2-3 औरत रहती वहाँ पर तो डिसाइड कर लेती कि नहीं ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, मेरे पास कोई है नहीं बताने और पूछने वाले, अपनी मर्ज़ी जो होता है वो बना लेती हूँ मैं, तो देखते हैं बना लेते अब जैसा लगे देखा जाएगा अच्छा ही लगे। जैसे ये हमारे पास फैब्रिक है ब्लू कलर का, तो ये भी फैब्रिक मेरा बहुत दिन से रखा, मेरे को 3 साल हो गया अपने मायके गए हुए तब से मेरे पास ये पड़ा हुआ, इसी में ग्रीन कलर है, मेरे पास बहुत बहुत सारा कपड़ा ना रखा रह जाता है इसी में कि क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ। तो चलिए स्टिच करके मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि सूट मैं कैसा रेडी करी हूँ, बना लूँगी तो ठीक ही रहेगा, अलविदा जुमा उमा किसी दिन, रमज़ान चल रहा था रमज़ान में नया कपड़ा पहनना ही चाहिए, तो बना लेते हैं इसको। गाइस हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं और देखते हैं बगैर सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग्स के साथ नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।